विधवा महिला अपनी ही जमीन को पाने के लिए दलदल भटकने को मजबूर। मामला गोवर्धन तहसील क्षेत्र के रिठौरा गांव का है, जहां एक विधवा महिला का आरोप है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके पति के भतीजे ने फर्जी वसीयत बनवाकर उनकी सारी जमीन हड़प लिया, जिसे वापस पाने के लिए महिला अपनी बेटी के साथ गोवर्धन तहसील में चक्कर लगा रही है। अपनी फरियाद को लेकर महिला SDM गोवर्धन राहुल यादव के समक्ष भी उपस्थित होकर अपनी जमीन के साक्ष्य प्रस्तुत कर चुकी है और अपनी जमीन को वापस पाने के लिए SDM गोवर्धन से न्याय की गुहार लगाई है। देखना होगा प्रशासन कितनी जल्दी महिला को न्याय दिला पाता है और उसकी जमीन को वापस दिला पाता है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? रिठौरा की। अभी आप SDM साहब के पास में फरियाद लेकर आई हैं, क्या मामला है? ये मेरे भतीजे ने वसीयत करा ली है, फर्जी। आपके भतीजों ने फर्जी वसीयत? हाँ जी, हमारे जमीन की, हमारी जमीन की। जमीन किस जगह पे? रिठौरा में। रिठौरा में हाँ। कितनी जमीन है? 5 एकड़। 5 एकड़ हाँ। तो वसीयत तो उन्होंने किससे करवाई? आपके पति से? हाँ जी। क्या नाम है आपके पति का? गोपेश्वर कुमार सर। क्या करते हैं आपके पति? वकील है, लॉयर है। लॉयर है हाँ जी। तो उन्होंने क्या कारण रहे कि? बोल दिया भैया, बोल दिया। अभी आपके पति अभी कहाँ? 6 महीने हो गए, खत्म हो गए। डेथ हो चुकी है? हाँ जी, 6 महीने। कैंसर से। तो आपके जो भतीजे हैं उन्होंने वो वसीयत अपने नाम किस प्रकार से करवाई? फर्जी तरीके से करवाई? तो अभी आप SDM साहब से मिले, उन्होंने क्या आपके विषय? मेरे नाम का कटवाना चाहते हैं, अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं। आपके जो भतीजे हैं वो अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं और उसमें से आपका कटवाना चाहते हैं। तो आपने SDM साहब को बताया, क्या कहा उन्होंने? नहीं, अभी आप मिल के आई हैं SDM महोदय से, बात करेंगे, संज्ञान में ले लिया है। जब कोई जवाब दे। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाले? अच्छा बेटा, अभी आप SDM साहब से मिले अपने पास, क्या मामला है? अरे वो हमारे ताऊ जी के लड़के ने, उन्होंने हमारा मतलब जो भी हमारी जमीन है सब अपने नाम पे करवाया। फर्जी तरीके। आपके पापा क्या करते हैं, क्या नाम है? वकील है, वो लॉयर है, कोटेश्वर पार्क से नाम। उनकी मौत हो गई? अध्यक्ष भी है। तो मतलब क्या, मतलब फर्जी तरीके से करा लिया आपके ताऊ के बेटे ने? SDM साहब क्या ले रहे हैं? SDM साहब कह रहे हैं हम पहले तहसीलदार से बात करेंगे, जब तक आपको बताएंगे।